नागपुर से मध्य नागपुर की तरफ से जनाब बसंती गोयसी साहब को एक तोहफा पेश करेंगे जो आप सब की मेहनत से जीत में बदलकर मुझे कामयाबी दिलाकर आप इनके साथ खड़े करेंगे। आपसे सिर्फ मेरा यही कहना है कि वक्त आ गया है, आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, क्योंकि ओवैसी भाईजान जुल्म के खिलाफ हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही है ये गलत? आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्सलाम वालेकुम। अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आज तक आपने जिसका साथ दिया है उस साथ ने आपका कितना साथ दिया है, ये अपने आप से आप दिल पे हाथ रख के पूछिए। इस वक्त हमारे साथ हमारी आवाज बनके बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। उनकी आवाज को हमें और बुलंद करना है, उनके हाथों को हमें मजबूत करना है, हमें एक साथ आना है। आज तक हमारे पास दो विकल्प होते थे, एक था कमल और दूसरा था कांग्रेस का पंजा। कमल कहाँ खिलता है ये हम सबको पता है, हम सबको पता है कमल खिलता है कीचड़ में। तो हमें इस बार कीचड़ नहीं फैलाना है, हमें इस बार कीचड़ नहीं फैलाना है, ये याद रखिए दोस्तों। और दूसरी बात, जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय जिसके पीछे हम भागते आए हैं बचपन से, मैंने भी देखा है पंजा जिसका निशान है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी ये पंजा सिर्फ दो चीजों के काम आता है। एक तब जब इलेक्शन आता है तो आपको हार करने के लिए, और एक तब जब सब खत्म हो जाता है तो आपको बाय करने के लिए। इसके बाद इसका कोई भी हमें असर नहीं दिखाई देता है। ये सारी चीजें हमने आज तक देख के आए हैं, बल्ले पार्लियामेंट में देख के आ रहे हैं। दोस्तों वक्त आ गया है अपना झंडा गाड़ने का, अपना परचम लहराने का, अपनी आइडेंटिटी बनाने का। इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर साहब के साथ में हमें कदम से कदम मिलाना है, हमें उनका सपोर्ट करना है। हम सब कहते हैं कि हम सर से बहुत प्यार करते हैं, सब कहते हैं, हम सब कहते हैं हम सर से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो प्यार का जो गिफ्ट है हम कैसे देंगे, उस प्यार का नजराना हमें उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर से बहुमतों के साथ अपने पदक चिन्ह पर बटन दबा के उन्हें ये नजराना हमें पेश करना है। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ चंद लाइनें आपसे कहना चाहूंगी। तन में मस्ती मन में उमंग, तन में मस्ती मन में उमंग, देखकर सबको अपनापन, गुड़ में जाए जैसे मीठापन, होकर साथ हम उड़ाएंगे पतंग, भरते आकाश में अपने रंग। एमआईएम जिंदाबाद, पतंग को याद रखिए, बहुत और पतंग के साथ में बहुमत के साथ इन्हें विजय बनाई है उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर। यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड मोमिनपुरा में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हजरात, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माँ और बहनें 21 अक्टूबर के दिन अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करें। हिंदुस्तान की जमहूरियत ने
عوام کو ایک موقع دیا جو پانچ سال میں ایک مرتبہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں اور ان کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی استدعا ہے، گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہیں، آپ تمام حضرات باشعور ہیں، آپ مجھ سے بہتر باخبر ہیں، حالات پر آپ تمام کی گہری نظر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کن چیلنجز کا ہم کو مقابلہ ہے اور کس کس زاویے سے، کس کس طریقوں سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ناگپور کی ایک تاریخی سرزمین ہے جہاں پر بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوستان کا جو سمویدھان بنایا اور بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوستان کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں ہم تمام کو اس بات کی اجازت دی کہ ہم اپنے پسند کے مذہب پر چلیں، اور ہم کو اگر اپنا کسی مذہب پسند نہیں آیا تو ہم وہ مذہب کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ کے اس تاریخی شہر میں اس کو بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے، دیکشا بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ دسہرے کے دن جہاں پر آر ایس ایس کے سرسنچالک اپنی تقریر کرتے ہیں، اسی دن بابا صاحب نے اپنا مذہب تبدیل کر کے بودھ مذہب کو اختیار کیا تھا۔ یہ ہندوستان کی سمویدھان کی خوبصورتی ہے کہ آرٹیکل 25 میں، آئین کے دفعہ 25 میں مذہبی آزادی تمام ہندوستانیوں کو دی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہبی آزادی ہمارے ملک میں ایک بنیادی حق ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جب سے 2014 سے بی جے پی کی سرکار بنی، اس مذہبی آزادی کے اوپر مرکزی حکومت کی طرف سے، بی جے پی بحیثیت سیاسی جماعت کی طرف سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ حالیہ مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے وزیر دفاع فرانس کو گئے، وہاں پر ہمارے ملک نے فرانس سے ایک فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری ہم کو ملی، تو وہاں پر جو وزیر دفاع ایئر کرافٹ کو لے رہے تھے تو اس فائٹر ایئر کرافٹ، رفائل فائٹر ایئر کرافٹ کے پہیوں کے آگے فرانس میں پیدا ہوئے دو نیمبو بھی رکھے گئے تھے۔ نیمبو رکھا گیا اور وہ تہذیب کا حصہ ہے ماننے والوں کا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن کو وقار کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو ہر ہندوستانی کو بھی اپنے مذہب پر فخر سے چلنے کا موقع جو سمویدھان دیتا ہے اس کو بھی ملنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے فائٹر ایئر کرافٹ کے سامنے نیمو رکھے، مجھے اعتراض اس بات کا ہے کہ جب ہم
یا کوئی اور اپنی تہذیب پر چلتا ہے تو آپ فوراً ہم پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کیا آپ نے نیمبو رکھے. اگر میں کوئی نئی گاڑی لیتا ہوں تو میں گھر میں نیمبو کا شربت بنا کر لوگوں کو پلاتا ہوں کہ بھائی میں نئی گاڑی لیا ہوں, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. آپ نے کیا, بہت اچھا کیا. مگر یہ بولنا کہ اس ملک میں ایک مذہب رہے گا, ایک کلچر رہے گا, ایک زبان رہے گی, ایک پولیٹیکل پارٹی رہے گی, یہ نہیں ہو سکتا. اور بی جے پی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک مذہب, یہ ملک ایک مذہب کا نہیں ہے, یہ ملک مختلف مذاہب کو مانتا ہے. ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں, ہندوستان تمام مذاہب کو مانتا ہے. ہندوستان کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, وہ سمویدھان آر ایس ایس کے لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ یا بھگوان کو نہیں مانتا تب بھی ہم اس کو عزت دیں. مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے, کیونکہ ساورکر نے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں اس بات کو لکھ دیا, آج آر ایس ایس اور بی جے پی اسی ساورکر کی جو ہندوتوا کتاب کی آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ان کا جھگڑا صرف یہی ہے کہ ہم سمویدھان کو سامنے رکھ کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمویدھان تمام مذاہب کو, تمام تہذیبوں کو مانتا ہے, اجازت دیتا ہے اور یہ ملک اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب تک میں اپنی مذہبی شناخت کو نہ کھولوں, جب تک ہماری ماں اور بہنیں اپنے چہروں سے نقاب کو نکال نہ دیں, برقعے کو نکال دیں, چادر کو نکال دیں, نوجوان اپنے چہروں سے داڑھیوں کو نکال دیں, اور جب وہ اپنی مذہبی شناخت کو کھو دیں گے تو تب جا کر ان سے کہا جائے گا کہ ہاں تم اب ہمارے پوروجوں کے سچے جانشین. میرا جھگڑا صرف یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریے, ہم اپنا کام کریں گے, آپ نیمو رکھتے رکھیے, جو کرتے کریے, مگر ہم پر مسلط مت کریے, ہم پر مسلط مت کریے. یہی تو جھگڑا ہے, یہی تو جدوجہد ہے, یہی تو سوال ہے جو پچھلے 5 سال سے بی جے پی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہندوستان کو, ہندوستان کی پلورلزم کو, ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ دیکھیے یہاں پر آر ایس ایس کا ہیڈ آفس بھی ہے, اور اگر میں ناگپور آ کر آر ایس ایس پہ نہ بولوں گا تو مجھے بڑی تکلیف ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر میرے دشمن بیٹھے ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں. میں اپنی جانب سے ان کا ویلکم کرتا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آ کر ہماری آواز کو سن رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حق کے راستے پر لا دے. دسہرہ کے دن آر ایس ایس کے سرسنچالک نے تقریر میں کہا کہ بھارت میں جو ماب لنچنگ ہے وہ ہوتی نہیں, یہ کوئی ویسٹرن کنٹری یا مغربی ملک کی چیز ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے. یعنی آر ایس ایس کے چیف اگر کوئی پولیٹیشن ہوتے تو بہتر پولیٹیشن بن جاتے, موڈی سے اچھے ہو جاتے, مگر شاید اب انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ وطن عزیز بھارت میں ماب لنچنگ ہے ہی نہیں. ہم ان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ جھارکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے, علیم الدین انصاری کو سر بازار روک کر گائے کے گوشت کے شبہ میں, سسپیشن میں خوب روڈ پر اس کو روک کر گاڑی سے نکال کر مارا گیا, پیٹا گیا,
और पिटाई की वीडियो निकाली गई और अलीमुद्दीन की मौत हो गई तो कोर्ट ने उन तमाम खातिलों को खातिल करार दिया, उनको सजा दी और जब वो खातिल कन्विक्टेड प्रिजनर्स हाई कोर्ट से बेल लेकर आए तो बीजेपी के एक मरकजी वजीर जिनका नाम जयंत सिन्हा है, उन्होंने उन खातिलों का गुलपोशी कर कर फूल के माला उन गले में डालकर उनका इस्तकबाल किया। तो हम पूछना चाह रहे हैं आरएसएस के सर संचालक से कि सर ये आपके कल्चर का हिस्सा है खातिलों को फूल पीना, जिसको कोर्ट ने सजा दी और वो मॉब लिंचिंग उन्होंने किया था और फिर बोलना कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आप बताइए कि तबरेज को क्यों मारा गया? तबरेज अंसारी रांची का एक गरीब बच्चा जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूना में एक वेल्डिंग की दुकान में काम करना शुरू किया, जाकर शादी किया और रात में किसी जगह पर जा रहा था तो चोर कहकर उसको पकड़कर रात भर मारा गया, रस्सियों से बांधकर। और वो हैरतअंगेज बात और बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि जब तबरेज ने जब तक अपना नाम सोनू कहा तो उसको कम मार पड़ रहे थे, जब तबरेज ने कह दिया कि मेरा नाम तबरेज है उसके बाद नाथूराम गोडसे के सही जानशीन वो तमाम के तमाम ने तबरेज को रात भर मारा। और हज़्ब रिवायत पुलिस सुबह में पहुंची और पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन लेकर गई और पुलिस स्टेशन में वहां पर भी तासुदियत का मजाया, अगर किसी को रात भर मारा जाता है तो किसी भी इंसान का काम ये होता कि भाई जिसको रात भर पीटा गया उसको पहले अस्पताल पहुंचाते, मगर हजरत पुलिस ने उसको लाकर लॉकअप में डाल दिया और उस पर चोरी का मुकदमा लगा, बाद में कोर्ट को लेकर गए, कोर्ट से जेल और फिर जेल में जाने के बाद एक दिन के बाद तबरेज की मौत हो गई। और जब तबरेज की बीवी जो बेवा हो चुकी हमारी बेटी मुझसे आकर मुलाकात की तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों मैं क्या बोलता हूं उसको कि तुम्हारे शौहर की मौत मॉब लिंचिंग से नहीं हुई? मॉब लिंचिंग का ताल्लुक वेस्टर्न कंट्री से है, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक किसी मजहब से है। और तबरेज को जब मारा जा रहा था तो उससे कहा जा रहा था कि ये नारा लगा, ये नारा बोल, यानी हर मारते वक्त बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, पाकिस्तान से क्या लेना देना देना, हमारे अब्बा हमारे दादा हमारे नाना पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने अंबेडकर और गांधी के पैगाम को समझा और अपनाया, हमने ताज बाबा की सरजमीन को कहा कि यह हमारी सरजमीन है, हमने गरीब नवाज की सरजमीन को कहा यह सुल्तान हिंद की सरजमीन है, हमने कहा कि यहां पर हमारी जहामानी और जापेशानी के निशानियां हैं, इस मुल्क में मेरी 100 साल 200 साल 300 साल नहीं बल्कि 1000 साल की तारीख है, हम पाकिस्तान को मुस्तरद किए। मगर यह अजीब बात है कि किसी को भी पकड़ेंगे और बोलेंगे बोल मुर्दाबाद। याद रखो हमको तुम्हारे से वफादारी के सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमको वफादारी का सर्टिफिकेट बाबा साहेब अंबेडकर ने दे दिया संविधान बनाकर, और आप हमको बोलते। और तबरेज की मौत कैसे हुई? तबरेज की मौत हुई, रिपोर्ट आई मेडिकल रिपोर्ट कि उसके सर में खोपड़ी के 3 जगह पर उसका फ्रैक्चर हो गया था और तबरेज की मौत हो गई। और आरएसएस के लोग बोलते नहीं है तो भाई मॉब लिंचिंग होती नहीं है, मॉब लिंचिंग मुल्क में हुई हो रही है और होती रहेगी, मॉब लिंचिंग में मुसलमान भी मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी मर रहे हैं, आदिवासी भी मर रहे हैं, दलित भी मर रहे हैं। हमारे मुल्क में माहौल ये बन चुका है
کہ اگر کوئی کسی کے اوپر مار لائے تو بول دو یہ گائے کا گوشت چوری کر رہا تھا، بول دو دلیت ہے یا کوئی بھی ہو۔ کیا آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا، ایک بی جے پی کے لیڈر نے ایک دلیت بھائی ہمارے جو گائے مر چکی تھی اس کو لے کر جا رہے تھے گاڑی سے تو روک کر مارا کہ تو گھسیٹ کر کیوں لے جا رہا۔ میں وہ بی جے پی کے لیڈر سے بول رہا ہوں، تو کیا کر رہا تھا، اپنے کندھے کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا نا؟ اگر تجھے اتنی محبت ہے تو اس دلیت کو مارا، ہمارے بھائی کو مارا تو تو اپنے کندھے کو اٹھانا تھا، مگر تو نہیں اٹھائے گا، ہم کو اٹھانا پڑتا کیونکہ تم یہ کام ہم کو دے دیے کہ یہ کام تمہارا، ہمارا کام حکومت کرنا، تمہارا کام حکمران رہنا اور ہمارا کام غلامی کرنا، تمہارا کام اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا اور میرا کام سورج کے اندر جا کر صاف کرنا۔ میرے بھائی یہ ملک کی جمہوریت کی تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہو رہا ہے، یہ ہو رہے واقعات اور کم نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم خالی بولتے ہیں مجھے مارو مجھے مارو، لوگوں کیوں مارے، مرمی پیٹے جا رہے، دلیتی پیٹے جا رہے، ماب لنچنگ ختم نہیں ہوتی۔ ماب لنچنگ کب ختم ہوگی؟ جس دن موہن بھگوت یہ بولیں گے کسی کو بھی نہیں مارنا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، انسان کی زندگی جانور سے بڑی ہے۔ جس دن موڈی بولیں گے کہ تم لوگوں کو میں جیل میں ڈالوں گا اور اگر جیل میں ڈالنے سے پہلے تمہارے ہاتھ پیر یا جو بھی ہے پولیس کو بولوں گا تمہارا علاج کرو، پانچ منٹ میں یہ تمام کے تمام یہ جو ہجڑوں کی فوج ہے نا مقدمے سے ختم ہو جائے۔ یہ تمام جو ماب لنچنگ کرتے ان کو بول رہا ہوں میں، ہجڑے، میں آپ کسی اور کو نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ جب ہندوستان میں بھارت میں ماب لنچنگ ہوتی ہے تو وہ انسان کی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن کی لنچنگ ہو رہی ہے، اور جو لوگ کانسٹیٹیوشن کی لنچنگ کر رہے ان کو مخنث بولنا بھی غلط ہے، ان کو تو اور قاتل بولنا پڑے گا، مرڈر آف ڈیموکریسی بولنا پڑے گا۔ مگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو آر ایس ایس کے سر سنچالک کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر ماب لنچنگ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ تم آر ایس ایس کے خلاف ہو، بالکل ہوں، رہوں گا انشاءاللہ زندگی بھر رہوں گا، کیونکہ میری آئیڈیالوجی سمویدھان ہے، میری آئیڈیالوجی ہیڈیور گولوالکر دین دیال اپادھیائے یا ساورکر کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، میں امبیڈکر کا چاہنے والا ہوں کیونکہ امبیڈکر نے مجھے طاقت کی سمویدھان بنا کر۔ مگر اگر ظلم آر ایس ایس پر بھی ہوگا تو ہم تنقید کریں گے۔ بنگال کی سرزمین مرشد آباد میں ایک آر ایس ایس کے رکن کے گھر میں گھس کر اس کو، ان کی بیوی کو اور ان کے معصوم بچے کا قتل ہوا تو میں نے مذمت کی، میں نے مغربی بنگال کے چیف منسٹر محترمہ ممتا بینرجی سے مطالبہ کیا کہ یہ جو قتل ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ اس کی فوراً انکوائری کروائیے، جلد سے جلد خاتیوں کو جیل میں ڈالیے۔ ہمارے میڈیا کے لوگ آ کر پوچھے کہ تم نے آر ایس ایس کے ایک ممبر کے قتل پر اس طرح کا بیان دیا کیسے کیا، تو میں نے کہا میں نے اس لیے دیا کیونکہ میں انسان ہوں، میں انسان اور میرے اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر تشدد کا راستہ کوئی نہیں اختیار کر سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے بچے کو نہیں مار سکتا، کوئی کسی کے گھر میں گھس کر کسی کے بیوی کو نہیں مار سکتا۔ یہ ملک اگر بچانا ہے تو اس طرح کے مظاہرے کرنا ضروری ہے، چاہے کسی آر ایس ایس والے کو مارو چاہے کسی کو مارو، یہ ہمارا فرق ہے۔ اور اگر کوئی مذمت نہیں کرتا تو وہ جانے اور اس کی انسانیت کی سوچ جانے، مگر ہم نے مذمت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ناگپور میں آ کر اگر میں فضیلت الشیخ حضرت موڈی پہ بھی نہ کہوں تو غلط ہوگا۔ تو وزیر اعظم آج چین کے جو صدر ہے ان سے ملاقات کیے تمل ناڈو،
मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम चीन से मुलाकात कर रहे हैं और भूटान जहां पर हिंदुस्तानी को जाने के लिए पास वीजा की जरूरत नहीं है, खुशी की जरूरत नहीं है, हम उनको करोड़ों अरबों रुपया देते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा सपोर्टर है भूटान का, और वो भूटान कह रहा है कि डोकलम पर हम और चीन बातचीत कर लेंगे। ये क्या बात है मोदी जी, जरा इस पर भी गौर करिए। जब आप चीन के सदर से बात कर रहे हैं, भूटान जिसको हमने सब कुछ दिया, हमारा करीबी दोस्त पूरे बड़े सगीर में साउथ एशिया में एक ही तो हिंदुस्तान का दोस्त है भूटान, और वो भूटान बोल रहा है कि हम चीन से डोकलम पर बात करके खत्म कर लेंगे। अगर डोकलम पर बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा? इस पर भी गौर करना है। और फिर हमारे वजीर आजम माशाल्लाह अमेरिका गए थे, अमेरिका में जाकर गए, अमेरिका गए, वहां पर बड़े बड़े इजलास हुए और हाउडी मोदी वो सब चीजें दिखाई गई मीडिया पे। माशाल्लाह मीडिया वालों को दिखाना जरूरी है, उनकी एक जो भी है विचारों को दिखाना जरूरी है आजकल। मगर मैं हमारे मीडिया के लोगों को, मैं उनके साथ हूं, ये जितने हमारे मीडिया के जो लोग दोस्त यहां पर काम कर रहे हैं, हमारी तकरीर को सुनने आए हैं, ये भी परेशान है, इनकी नौकरियां जा रही। मेरे जाने के बाद इनसे पूछना कि भैया आपके कितने लोगों की नौकरी चले गई, तो सब बोलेंगे हाँ ये ओएसी भड़काव भाषण तो देता मगर सच बात बोलता, सबकी सब नौकरी चले गई। ये लोग खुद परेशान है, हमारे एक एक मीडिया का आदमी तीन तीन लोग का काम कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि हजरत मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसियों का खमियाजा हमारे मीडिया के दोस्तों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे भाई हाँ अमेरिका गए, अमेरिका जाकर क्या मिला? अमेरिका और हिंदुस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट किधर गायब हो गया नहीं मालूम, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अमेरिका से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान पर तनकीद कर रहे हैं कश्मीर की पॉलिसी को लेकर। एक नहीं दो ने, कई एमपीओ ने खत लिख दिए, कंडेम किया कि पिछले ढाई महीने से आपने उनको महरूस बनाकर रख दिया, वहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, उनको खैदियों की तरह उनको ठीक किया, सब जगह लिखे। मगर हमारे वजीर आजम और ये मीडिया ने, मीडिया के ऊपर जो मीडिया है वो हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं कि बाघों में बहार है, सब कुछ अच्छा है। आप वजीर आजम से पूछिए क्या मिला भाई अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ नहीं मिला। और ट्रंप तो सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठा, यानी बदकिरदार, और उसको मोदी जी बोल दिए कि इसको दोबारा बना दो सदर मान का। वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर आजम ट्रंप का हाथ पकड़ के चल रहे हैं वहां। मोदी जी उसका हाथ और आपका हाथ कहां, आप कहां वो, और आप कह रहे हैं ऐसा चल रहे हैं सर। दो पुराने दोस्त बरसों के बाद नागपुर के मोमिनपुरा में मिलके बड़े का खा रहे, उन्होंने खाते वो मिली के, मैं बोल रहा हूं मिसाल दे रहा हूं। जब दो दोस्त मिल दे रहे कहा है जमाने के बाद मिला, चला भाई होटल पे यहां बैठा है। अरे वहां क्या मिला हिंदुस्तान को बताइए आप, कुछ नहीं मिला हिंदुस्तान को। हमारे वजीर आजम गए अमेरिका को क्या मिला बताओ? ट्रेड एग्रीमेंट मिला, यकीन मेरी तकरीर के बाद बीजेपी आरएसएस सब लोग मुझे गालियां देंगे, मगर मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो, मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और बतर अजीज में हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं सबको एक देखता हूं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं। तो बताइए जब मरकजी बजट पेश हुआ, वजारती अखिलेती बहबूद का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का,
उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मीन्स। उसमें मोदी जी ने पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी झूठ बोले, जैसा गवर्नमेंट मनी बोले कि हम इतने लाख लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, कहा कि हम 60 लाख या 70 लाख मुसलमानों को देंगे। जब बजट आया तो इत्तेफाक की बात है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। नकवी साहब मोदी साहब जैसे ज्यादा पढ़े लिखे, मेरी गलती यह है कि मैं बाहर जाके ला की डिग्री लेके आया, मैं थोड़ा पढ़ लिया। पढ़े तो मालूम हुआ कि उसमें से पहले पिछले साल के बनिस्बत इस साल वो तो 130 करोड़ रुपए कट कर दिए, और आप बोल रहे 60 लाख को स्कॉलरशिप, मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों झूठ बोलते? झूठ कहा इस सरकार ने। और मेरा हमेशा से मुतालबा रहा कि पूरे माइनॉरिटीज को डिमांड ड्रिवन करो स्कॉलरशिप, कि जो कोई अप्लाई करेगा उसको दो स्कॉलरशिप। आप रिजर्वेशन तो नहीं देना चाहते महाराष्ट्र में, मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते आप। आपने मराठों को दिया, मराठों को आपने बैकवर्ड क्लास कर दिया, मगर मुसलमानों को नहीं। हम मुसलमानों को रिलीजन के नाम पर नहीं, मुसलमानों में जो 55 बरादरियां हैं उनको हमने कहा था। और हमारी पसमानदगी, हमारा बैकवर्डनेस समाजी इकतसादी तालीमी मराठों से भी कम है, दलितों के बराबर है, मगर नहीं मिलता हमको। और फिर मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल अपीजमेंट फॉर नन। बीजेपी का फार्मूला क्या है? डेवलपमेंट। जब बीजेपी सबका साथ सबका विकास बोलती तो आप कंप्यूटर आपके घर में रहे या आपका सेलफोन रहा तो पासवर्ड मांगना पड़ता। तो यहां पर क्या है? सबका साथ सबका विकास का पासवर्ड हिंदुत्व है। हिंदुत्व पासवर्ड मारो, आगे बढ़ो। सबका साथ सबका विकास कहते और अकलियतों को माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप में आपने पैसे कम कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका रिकॉर्ड है। हम कह रहे हैं कि सबको स्कॉलरशिप दो, मुस्लिम अकलियत तालीम में पीछे है। हमारी बेटियां पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं में सबसे ज्यादा इलिटरेट है। 100 में 1 ग्रेजुएट मुसलमान होता है, स्कॉलरशिप दो ना। तुम पैसे ही नहीं देते तो क्या पढ़ेंगे गरीब? और मुसलमान पढ़ना चाहता है, बेटा है। लोग बोलते नहीं नहीं, ये आरएसएस बीजेपी के लोग बोलते नहीं, इन चार चार इनके बीवियां हैं। अरे पागलों, एक में परेशान हूं मैं, चार बीवियां होते हैं, इन बहुत बच्चे पैदा करते, कहां पैदा करते बताओ? हमारा पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ गिरा है और सन 2030 तक वो स्टेबिलाईज हो जाएगा, मगर आरएसएस के तमाम लोग बार बार चीखे मारते बोलते नहीं नहीं, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ जाएंगी, ये मुल्क पूरा उनका हो जाएगा। नहीं होता मेरे भाई, आराम से बैठो आप। 250 साल लग जाएंगे अगर हमारा पॉपुलेशन नहीं भी गिरा तो। अगर आप पॉपुलेशन और कम करना चाह रहे तो पढ़ाओ ना हमको, रिजर्वेशन दो ना हमको, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आईपीएस ऑफिसर बनने दो, जजेस बनने दो, नौकरियां मिलेंगी, पढ़े लिखे होंगे तो सब हल होगा, मगर नहीं देंगे आप। आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, आप इकोनॉमिक्स ग्राउंड पर आला जात के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। इकोनॉमिक ग्राउंड पर देकर तुमने बाबा साहेब अंबेडकर की तौहीन की, मगर वो कम्युनिटी जिसका हर सोशल इंडिकेटर सबसे कम है उसको नहीं देते आप। मेरे भाई, ये बीजेपी की हुकूमत का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में और दिल्ली में। और हिंदुस्तान के वजीर आजम, बीजेपी सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बातें करते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा काम हो रहा है। इस साल महाराष्ट्र में 2019 में जनवरी से जून तक 1200 या 1300 किसान खुदकुशी कर लिए,
34,000 करोड़ का लोन माफी भी किया, उसके बावजूद भी 3,400 रुपए सीख किए। 2014 से 18 तक 14,500 किसानों ने महाराष्ट्र में कृषि की, हफ्ते में 7 किसान मरते। विदर्भा सबसे बैकवर्ड एरिया है, आप बताइए फिर आप उनका क्या रिकॉर्ड। हाँ ये बात सही है कि महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन नहीं है, मगर इसका अर्गिज मतलब ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठ जाएगी महाराष्ट्र में। आपका खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं होगा, अपोजिशन मर मजलिस है और मजलिस वो अपोजिशन का रोल निभाएगी इंशाअल्लाह होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौकरियां नहीं है हिंदुस्तान में, हमारे मीडिया के लोगों के ताल्लुक से कहा किसी को नौकरी नहीं मिलती, झूठ बोलते हैं लोग। हमारे मुल्क में 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतने नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, अगर मैं हाथ उठाकर सवाल करूंगा कि बताओ नौजवानों किस किस को नौकरी चाहिए, तो 90% बच्चे हाथ उठाकर कहेंगे हमको नौकरी चाहिए। आप देखना चाह रहे मीडिया के लोग, देखो किसको नौकरी चाहिए नौजवान, का कैमरा फिराओ और दिखाओ मोदी जी को इतने लोगों को नौकरी चाहिए, यहाँ पर भी पूछो। और आप बोलते सबको मिल गई नौकरी, सबको मिल गए, देखो जो कैमरे वाले भी उठा रहे बेचारे, उनको भी नौकरी चाहिए। यानी किसको दिए फिर नौकरी आप, किसको नौकरी दिए बताओ ना फिर हमको, वो नहीं बता सकते। अब टीवी पे आके जैसा टीवी पे आएंगे आप, बीजेपी की खासियत है नौकरी की बात करें तो बोलेंगे अमित शाह हमने 370 में निकाला, खाने को पेट में खाने को नहीं है, घर में चराग नहीं जल रहा, तुम 370, हम 370 निकाल क्या करें, निकाल के नौकरी मिल गई। 34,000 तुमने खर्चा किए किसानों पर लोन माफी, मगर फिर भी किसान को कश्मीर कर रहा, और आप बोल रहे कश्मीर में डेवलपमेंट करेंगे, नौकरी नहीं है। महंगाई की बात करो आप, महंगाई की बात करो तो बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान, अरे क्या किधर किधर लेके जाएंगे आप, कब तक आप यही बात बोलते रहेंगे। टेररिज्म खत्म करिए, टेररिज्म कौन रोक रहा है आपको, क्यों नहीं करते खत्म आप, हम भी आपका साथ देंगे, मगर जो जिसके लिए भारत के लोगों ने आपको वोट दिया नौकरी नहीं देती आप। अब तो 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदने को तैयार नहीं, 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदने तैयार नहीं। मैं बात नहीं बोलना चाह रहा था, मगर क्योंकि मैं बेशरम हूं इसलिए कह रहा हूं कि अंडरवेयर भी नहीं खरीद रहे लोग आजकल, कि मैं नहीं बोल रहा, मीडिया लिखा, पूछो इन लोगों से आप, हजरत गूगल पर जाकर सर्च करो, हजरत गूगल बोलेंगे, वो इसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं हो रहा। हर तरह से मुल्क में परेशानी है, जीडीपी हमारा गिरते गिरते उस पर आ गया 5% पे आ गया। मुंबई में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लोग रो रहे, उनको कह रहे कि 6 महीने का खाली 20,000 निकालो, आंसुओं से रो रहे, भीख मांग रहे, मगर नहीं मालूम। और आपको मालूम बीजेपी ने क्या किया 2018-19 में, जो बड़े बड़े रईस ज्यादे करोड़पति लोग जो गवर्नमेंट के बैंक से लोन लिए थे 500 करोड़ 100 करोड़ का, 2018-19 में 2,75,000 करोड़ का लोन उनको माफ कर दिया, 2,75,000 करोड़ का लोन उनको माफ कर दिए। कौन माफ कर दिए? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी और बीजेपी। और एक गरीब एक किसान 20,000-80,000 के लिए जान देता है, एक गरीब 5 लाख का लोन के लिए चप्पल घस जाती, मगर लोन नहीं। और जो देना बाकी है बैंक को, गवर्नमेंट के बैंक को, कितने 2,75,000 करोड़ रुपए। और अगर कोई बीजेपी का लोग बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा, यारे तुम्हारा डेट तुम्हारा टाइम मैं तुम्हारे सामने
अब बताइए 2,00,000 करोड़ किसको बोले मेरे भाई। अजीब और गरीब मामला है, मगर कुछ बोले कि नहीं ये एंटी नेशनल है, इन्हें ओवैसी पाकिस्तान का एजेंट है, इन्हें आईएसआई का एजेंट है, अब नया शुरू कर दिए, इन्हें जिना बनने जा। अरे मेरे दादा जिना को गेट आउट बोले और यहां पर ठहरे, मैं इन्हें जिना बनने जा रहा। अरे तुम्हारे को कोई दूसरी चीज याद नहीं आती हमारे को देखते कि हमको देखते ही चार बीवियां, हमको देखते ही बच्चे बहुत पैदा करते, हमको देखते ही नहीं तुम लोग काबे की तरफ क्यों रुख करते, इधर रुख करो। अरे हर चीज में तुम हम पे शक, अरे क्यों शक करते भाई, हमने भी इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, भारत हमारा देश है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर ये नफरत की राजनीति करते, गलत फहमी पैदा करना, लोगों में डर पैदा करना, लोगों में ये पैदा करना, एक वक्त मैं प्लेन में कहीं जा रहा था, दिल्ली से केरला 3-4 घंटे का सफर होता, एक साहब मेरे बाजू बैठे थे, 1 घंटा देखा ही नहीं मेरे तरफ, मसरूफ है, 1.5 घंटा हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं ये हूं, बोले हाँ हाँ आपने। फिर 1-2 घंटे के बाद बोले कुछ पूछूं आपसे, नहीं पूछे मेरे। मैं उनको समझाया मेरा ऐसा नहीं है कि गलत बोल रहे आप। तो उसके बाद 3-4 घंटे के सफर के बाद मेरे को अपना कार्ड दिए, बोले कि अब मेरे को मालूम हुआ कि सच्चाई क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में सेकुलरिज्म अब अपने बिस्तर मर्ग पर है, अपने बिस्तर मर्ग पर है, याद रखो मेरी बात को। आप हम भी चाहते कि सेकुलरिज्म जिंदा रहे क्योंकि हमारे संविधान का हिस्सा है, मगर सेकुलरिज्म कहां है बताओ मेरे को आप। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से अगर हमारे बुजुर्गों में अभी भी ये बात हमारे बुजुर्गों में नहीं 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 ये ओवैसी आके चला जाएगा बोल के अपनी बात, मगर अपने लिए तो कांग्रेस है ना। चचा चचा मेरी बात को सुन लो, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी कदर करते हैं और करते रहेंगे। आपको जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, सियासत का भी तजुर्बा है आपको, मगर इस नाकिस की राय ले लो आप, इस आसार की बात सुन लो, अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है, अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है, याद रखो मेरी बात को आप। और अगर एक बदतमीजी के तरीके से आपको समझाऊं, अगर नागपुर के सबसे बड़े हकीम को कि बेटा एक ताकत की दवा दे दे तो जो कमजोर है उसमें ताकत पैदा हो जाएगी, कांग्रेस में नहीं पैदा हो सकती, नहीं पैदा हो सकती कांग्रेस में। कांग्रेस जिम्मेदार है 14 में मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए, कांग्रेस जिम्मेदार है 2019 में मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए। मैं नहीं हूं जो कांग्रेसी बोलते हैं ना कि ये शख्स आएगा आकर इलेक्शन लड़के वोट काटता है, मैं तुमसे तैयार हूं, तुम किसी भी जगह मुझसे बहस कर लो। अगर नागपुर के फुटबॉल ग्राउंड में बहस करना चाहोगे तैयार हूं, तुम अपने बंद कमरे में बहस करना चाहे तैयार हूं। तुमको मैं बता रहा हूं ये कांग्रेस की वजह से बीजेपी इख्तदार में है और ये कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, क्योंकि इनके सदर गुजरात का इलेक्शन हो रहा था तो कॉम्पिटिशन हो गया मोदी में और राहुल गांधी में। राहुल गांधी उस मंदिर को जाने तो मोदी उस मंदिर को, इनू वहां उन्हू वहां, यानी इनू पैदल गए तो उन्हू पैदल, उन्होंने दौड़ के गए तो उन्होंने दौड़ के गए, इनू गाड़ी में गए तो इनू गाड़ी के में गए, आखिरी में मोदी बोला मैं प्लेन को पानी में उतार के जा उतार। आप बताइए इतना सब करने के बाद भी क्या मिला आपको। मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूं
कि कांग्रेस पार्टी से अब नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है बताता हूं मैं आपको। समंदर में जब कश्ती डूबती ना, या अगर घर में आग लग गई, जब घर में आग लगती तो पहले बुजुर्ग क्या करते बड़े, चाहे उन 80 साल के बूढ़े हो लो, अगर उन हट्टे कट्टे रहे तो बोलते पहले बच्चों को निकालो, औरतों को निकालो, फिर अपने औलाद को बोलते जा तू, तू जा पहले, उसके बाद बुजुर्ग निकलते बड़े निकलते। यहां कांग्रेस पार्टी का मिजाज ही है कि जब कश्ती डूब रही थी तो इनका कैप्टन पहले समंदर से कूद के साहिल पे आ गया। हाँ भाई, नहीं मैदान में क्या है बताओ आप। और लोग बोलते कि मैं वोट काट रहा हूं। अच्छा, मैं वोट काटा ना, कितने सीट लड़ी हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज बिहार में। हैदराबाद हम हराए बीजेपी को, औरंगाबाद शिवसेना को हराए, 30 साल के एमपी को हराए। किशनगंज में हम तीसरे नंबर पर आए, कितने वोट किए किशनगंज में, 3 लाख वोट मजलिस ली। ये सुनो आप खाली मत खाओ, 3 लाख वोट मजलिस ली, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी ली और 3,50,000 वोट कांग्रेस ली। अगर मजलिस नहीं रहती तो नीतीश कुमार की पार्टी 4 लाख वोट से जीत जाती थी, 4 लाख वोट से जीतती थी। हम 3 लाख लिए, नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000 तो बीजेपी के साथ है और कांग्रेस 3,50। अब हमको इल्जाम लगा दो, अब बताइए 3 सीट में लड़ता हूं मगर कोई कांग्रेस का लीडर कोई इलेक्शन की मीटिंग में बगैर ओवैसी का नाम लिए उसको समझता है कि मैं अपनी मर्दानगी का इजहार करने के लिए मुझे ओवैसी का नाम लेना पड़ेगा। अरे तुम मरद बन जाओ ना, मेरा नाम लेके क्या है, तुम मुकाबला करो बीजेपी से, नहीं कर पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानून बन रहा था, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यूएपीए को और तरमीम किया जा रहा था, सख्त बनाया जा रहा था, जो हमारी संविधान के खिलाफ था। यानी दिल्ली में बैठकर अमित शाह एक टेररिस्ट की लिस्ट निकालेंगे, किसी का भी नाम डालकर बोलेंगे इस लिस्ट में कि जैद बकर ये टेररिस्ट है, और लिस्ट निकल जाएगी, कोर्ट को जाएंगे बाद में लिस्ट निकाल देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस कानून की तारीफ नहीं की लोकसभा में? पूछो इन कांग्रेसियों से आप, किसका नाम आएगा लिस्ट में? कोई कांग्रेस का लीडर का नाम आएगा? नाम आएगा मजलूमीन का नाम आएगा, और सर के रहना पड़ेगा जेल में 10-10 साल, 8-8 साल। वो यूएपीए का कानून ही बनाए थे 2009 में, जब मैं तनखीद किया पार्लियामेंट में, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरे पर हंसकर कहा कि ओवैसी डोंट वरी, ये करना जरूरी है। मैंने कहा वरी करने की बात है, इस्तेमाल गरीबों के ऊपर होगा, मजलूमीन पर होगा, कमजोरों पर होगा, गरीबों पर होगा, आदिवासियों पर होगा, हम पर होगा, दलितों पर होगा, सब पर होगा। और ये कानून बीजेपी आगे और सख्त बना दी। आप बताइए कांग्रेस ने उसका साथ दिया? परसों की बात, पिछला पार्लियामेंट का सेशन, और अगर आप बोलते कि वो इसलिए कर रहा है, अरे मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, मेरी पार्टी अपने हक के लिए खड़ी है। मेरा जिंदगी का मकसद क्या है कि 70 साल आपने बहुत हुकूमत की, अब हम अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कांग्रेस की गुलामी करते रहे, ये हरगिज नहीं हो सकता कि सेकुलरिज्म का बोझ मैं अपने कंधे पर डालकर किसी एक अड्डे का कूली बनकर ये बोझ उठाता रहूं। मैं अब थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते, अब मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा, ना मैं उठाऊंगा ना आने वाली नस्ल को उठाने दूंगा। ये बोझ मुल्क का बोझ और सबको उठाना पड़ेगा, मैं नहीं उठा सकता ये बोझ। अब ये बोझ उठा उठा कर मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरी आवाज खत्म हो चुकी है, मेरी शनाख्त को खत्म कर दिया जा रहा, मेरी तहजीब को खत्म कर दिया जा रहा।
मुझे बेघर कर दिया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पर अगर किसी को उम्मीद है तो आप छोड़ दो उस उम्मीद को। मैंने हर जगह कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, याद रखो हमारे वतन अजीज में ये रात जो अंधेरी है बड़ी लंबी अंधेरी रात होने वाली है, ये बड़ी लंबी अंधेरी रात होने वाली है, याद रखो। और अगर कोई कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करता है तो याद रखो जब अंधेरी रात होती है तो बाद जगह पर जुगनू चमकते हैं, जुगनू रोशनी की निशानी नहीं बन सकते, याद रखो। वो कांग्रेस पार्टी का हाल है, ये खाली चमकते इलेक्शन के वक्त चमकते और जब हमारा वक्त आता हमको भूल जाते। मेरे भाई कांग्रेस की जो मोहब्बत हमारे बुजुर्गों में है उसको निकाल दो आप, निकाल दो आप। मैं आपको दलायल के साथ कह रहा हूं, इनसे अब कुछ नहीं होने वाला है, इनसे अब कुछ भी नहीं हो सकता। और लोग जब हमसे सवाल करते हैं कि तुम वोट काट रहे, तुम्हारी वजह से लोग जीत जा रहे, मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, औरंगाबाद में हमने 30 साल के शिवसेना के एमपी को हराया, 30 साल के एमपी का शिवसेना का कांग्रेस नहीं हरा सकी, हम हराए उसको। कांग्रेस को कितने वोट मिले औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट में 80,000 वोट, इम्तियाज जलील को 3.5 लाख के ऊपर वोट मिले। क्यों मिले? क्योंकि औरंगाबाद की आवाम ने नागपुर की आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे कहा और ये कहा कि हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमने कांग्रेस की मोहब्बत और उनकी गुलामी को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया, हम कांग्रेस की गुलामी से आजाद हुए तो ऐसा लगा कि हम पर से बलायात का खात्मा हो गया और हम मुत्तहिद होकर इम्तियाज जलील को कामयाब। मैं वो पैगाम सुनाने आप तक आया हूं, यहां पर भी आप कर सकते हैं। यहां पर हमारी बहन है, काबिल तरीन बच्ची है, हमारे सेंट्रल के उम्मीदवार है, काबिल तरीन है, जज्बा है काम करने का। मेरे भाई और डालिए, जब औरंगाबाद एक एमपी सीट पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो कोई मायूब बात नहीं है कि नागपुर की दोनों असेंबली सीट पर मजलिस की कामयाबी मुमकिन है। ये मुमकिन आप में से है, बशर्ते कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लड़ना पड़ेगा, जुद्दोजहद करना पड़ेगा, ये लोग डरा डरा कर रख दे रहे हमको। याद रखिए, अगर आप जुद्दोजहद नहीं करेंगे, अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत में हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। आज हमको ये मौका दिया गया है कि हम अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करें, इसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है। मैं मजहब के नाम पर आपसे वोट का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके तल हकीकत बता रहा हूं हिंदुस्तान की जमहूरियत की। और कांग्रेस हरगिज हरगिज नहीं चाहेगी अखिलेतों की सियासी आवाज पैदा हो जाए। मैं आपसे गुजारिश फिर से कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जमहूरियत में हिस्सा लेना अलग बात है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, मगर पार्टिसिपेट का मतलब यह नहीं है कि हमको हमारा मुकाम ना मिले। मुकाम मिलने के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। यहां नागपुर से हमारा इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन मैं जानता हूं कि हमारे वतन अजीज में एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं, मगर मुझे यकीन है कि आज भी हिंदुस्तान में जो ये गांधी और अम्बेडकर का मुल्क है, यकीनन फिस्ताई ताकतों को शिकस्त होगी। यह अंधेरी रात जरूर है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजल व करम से इन अंधेरों को खत्म करेगा, अल्लाह एक नई रोशनी यहाँ पर पैदा करेगा। मगर याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी मुत्तहदा तौर पर अपनी आवाज को महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं बजाएंगे तो फिर शिकायत करते रहिए। शिकायत करने से, घर में घुट घुट के जिंदगी गुजारने से इसका हल नहीं है। हल ये है कि निकलिए और मजलिस को अपनाइए, अपने पार्टी के हक में वोट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर कई मरतबा आया हूँ,
اور انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آؤں گا اور بار بار آتا ہوں گا ناگپور کے آپ کے اس مبارک شہر میں. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 21 تاریخ کو ووٹ کا استعمال کریے, مجلس کو کامیاب کریے, پتنگ کے نشان کو بٹن دبا کر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.